भारतीय राजनीति में जाति का बहुत जबरदस्त तरीके से जातीय जनगणना या जाति पर आधारित जनगणना की मांग विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से उठाई। 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर के एक बार फिर सियासी माहौल बहुत तेजी से गर्माने वाला है। भारतीय राजनीति में जाति का बहुत जबरदस्त तरीके से महत्व है और आपने ये देखा होगा कि ये जो जाति का जिन्न है वो बार बार बाहर निकल आता है और ये जो जाति का जिन्न है खास तौर से अक्टूबर में बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद ये जो सियासी माहौल है उसका पारा जबरदस्त तरीके से चढ़ गया। और अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। और उसके पहले जो जातीय जनगणना या जाति पर आधारित जनगणना की मांग विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से उठाई। क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरीके से यह मुद्दा इन विधानसभा चुनावों के पहले उठा, ये जो जाति का जिन्न है अभी शांत नहीं होने वाला है, अभी ये बोतल के अंदर जाने वाला नहीं है। कारण कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर के एक बार फिर सियासी माहौल बहुत तेजी से गर्माने वाला है और जो विपक्षी इंडिया नामक जो अलायंस बनाया है विपक्षी दलों ने उसकी तो ये मांग है और उस मांग को लगातार वो धारदार कर रहा है और बीजेपी पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में और वहां पे राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली है पार्टी, उन दोनों की जो गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है, तो उन्होंने किस तरीके से जातीय जो आंकड़े हैं जारी किए और जारी करने के बाद खाली आंकड़े ही नहीं जारी किए बल्कि वहां जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि भाई आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उस आरक्षण की सीमा जो है बढ़ाकर 70% कर दी गई। और ये लगातार जो जाति को लेकर के राजनीति है वो तेज होती जा रही है, हमलावर होती जाती है। अब ये किस तरीके से ये जो समस्या है और गहरा सकती है और किस तरीके से ये माहौल को और सियासी माहौल को लगातार ये गर्माता रहेगा उस पर बात करूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे देश में जो जनगणना है उसकी शुरुआत की गई थी, क्यों की गई थी और उसका उद्देश्य क्या था और अभी फिलहाल ये मुद्दा क्यों बार बार गर्मा रहा है उस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले जब अंग्रेजी रूल था हमारे देश में 1881 में सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। और लेकिन ये जो जनगणना की शुरुआत हुई थी ये जनगणना कोई ऐसी जनगणना नहीं थी कि जाति पर आधारित जनगणना थी। ये जनगणना मतलब जनसंख्या को पता करने के लिए उसका एक तरीके से सेंसस कराया गया और तब से लेकर कर आज तक हर 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना की जाती है। ये जो लेटेस्ट जनगणना होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन 2020 में हमारे देश में भी कोविड बहुत तेजी से फैलता है तो ये जनगणना नहीं हो पाती है और इसी के चलते एक मुद्दा मिलता है विपक्षी दलों को और उन्होंने जातीय जनगणना, जाति पर आधारित जनगणना की। और तर्क क्या है कि साहब जितनी जिसकी आबादी उतने उसकी हिस्सेदारी। अब ये जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो टैलेंट है या स्किल है या जो बहुत ही लेबोरियस लोग हैं उनको महत्व कम, जाति के आधार पर महत्व ज्यादा दिया जाना चाहिए। ऐसा देखिए अभी जो चुनाव हुए उसमें जो है ये मुद्दा उतना ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन
जो लोकसभा चुनाव है 2024 में जो होने वाले हमारे देश में, ये जरूर गरमाएगा, क्योंकि ये कहना चाहिए कि जो विपक्षी दल हैं उनको लगता है कि अब उनके पास मुद्दे नहीं है, तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको शायद वो छोड़ेंगे समाज के बीच में, लोगों के बीच में, तो उसका उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा, शायद ऐसा वो सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश में संविधान का गठन हुआ आजादी के बाद, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना, तो संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका मतलब जिनको वो स्तर नहीं मिल पाया, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको एक स्तर पर लाने के लिए जो है उनको 10 साल के लिए आरक्षण प्रदान किया जाए, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया। लेकिन इसमें यह बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही गई थी कि जब उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ठीक हो जाएगा, 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन रहित व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई भी दल ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इस आरक्षण की व्यवस्था को रिव्यू किया जाए या इसको खत्म किया जाए, क्योंकि सबको इस बात की चिंता है कि कहीं उनका जो वोट बैंक है वो ना खिसक जाए, या उसका उन्हें और ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसके चलते उनको उसे खामियाजा चुनाव में या सत्ता में आने में भुगतना पड़े। तो ये एक कारण रहा जिसकी वजह से कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब लेकिन आप देखिए 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लागू होती है, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और इमरजेंसी लागू होने के बाद जो पूरे देश में असंतोष फैलता है, जो सरकार के खिलाफ माहौल बनता है, उसके बाद जो है जनता पार्टी जो है उसमें आती है, सत्ता में आती है, चुनाव होता है, और उसके बाद ये जो जातीय जनगणना की बात है उसकी उसका मुद्दा उठता है, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है एक आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पे वैश्विक स्तर पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है, और 1980 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। और लेकिन इसी दौरान फिर सत्ता में परिवर्तन होता है और इंदिरा गांधी फिर उसमें आती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं देश की। तो उन्होंने क्या किया कि इस मुद्दे को कि आरक्षण, ये जो बीपी मंडल की रिपोर्ट थी कि किस तरीके से कितनी जातियां हैं और उनको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इस मुद्दे को उन्होंने ठंडे बस्ते पे डाल दिया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और फिर बाद में बीपी सिंह चूंकि देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो वो एक ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं, यही जो ठंडे बस्ते वाली रिपोर्ट है उसको उजागर करते हैं, और इस पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के नाम पर वो कमंडल और जो जिसे कहते हैं कमंडल और मंडल की जो राजनीति होती है उसमें वो थोड़ा सा भारी पड़ते हैं, और भारी पड़ने के बाद देश के प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे बनते हैं। कहने का मतलब यह है सियासी लाभ के लिए जो ये जाति आरक्षण का विष बोया जाता है, तो वो जो जिन है जब एक बार बाहर निकल गया तो आज तक उसे बोतल के अंदर कोई बंद नहीं कर पाया। होता क्या है कि जब हम इस तरीके के निचले स्तर की राजनीति करते हैं तो उससे आपको उस वर्ग में या लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम समाज में क्या पड़ेगा, देश में क्या पड़ेगा, इसके बारे में चिंतन मंथन और मनन बहुत कम होता है। और यही कारण है कि दो ऐसी पार्टी जिसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बारे में बात की जाए या मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के बारे में बात की जाए, इन पार्टियों का जन्म भी इसी आरक्षण और जातीय राजनीति के चलते हुआ था। अब देखिए जो जातीय जनगणना को लेकर के बात है या उस पे सियासी रोटी जो सेकने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है,
वो वहां पर जातीय जनगणना अवश्य कराएंगे। हालांकि यह अलग बात है कि अब कांग्रेस की सरकार बहुत राज्यों में है नहीं, जो नए चुनाव के नतीजे आए हैं उसको देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, मतलब ये ऐसे राज्य है जहां वो ऐसा कराने के बारे में सोच रहे हैं या सोचेंगे या करेंगे। अब बिहार में जो जाति जनगणना की गई उसके बाद जो INDIA अलायंस की जो बैठक हुई मुंबई में, जिसमें बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने उस बैठक में जब जातीय जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, नहीं कराया जाना चाहिए। और ये भी देखिए कि मतलब ये जो विपक्षी दल हैं वो सभी एक मत भी नहीं है इस मामले में, लेकिन ज्यादातर जो विपक्षी दल हैं, चूंकि आज उनके पास मुद्दों का जबरदस्त तरीके से अभाव है, ऐसी स्थिति में वो जाति के आधार पर सियासत करना करने के बारे में जो सोच रहे हैं, वो किस तरीके से इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं और उस पर वो काम करना चाहते हैं। अब ये जो जातीय जनगणना की मांग है सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका जो दक्षिण भारत में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वीरप्पा मोइली हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी मांग की कि साहब कर्नाटक में भी जाति जनगणना हो जाए, पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, इस तरीके के सवाल उठाए। और ये विपक्षी दल भाजपा को किस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितनी जब जाति जनगणना होगी तो जिसकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर उसकी भागीदारी होनी चाहिए रिसोर्सेस पे, नौकरियों पे। लेकिन अब देखिए भाजपा को इस आधार पे घेरने की कोशिश की गई। हालांकि यह अलग बात है कि भाजपा के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता दबी जुमान चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत स्पष्ट रुख है इस मामले में। उनका कहना है कि जातीय मेरे लिए तो सिर्फ चार जाति हैं, वो अलग तरीके से नजरिया प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं युवा, किसान, महिला और मजदूर, ये चार ही जातियां हैं देश में जिनके उत्थान के बारे में मैं सोचता हूं। उनका एकदम डिफरेंट नजरिया है। और भाजपा ने यह भी कहा जो है नीतीश कुमार से कि बिहार में यदि वास्तव में आप जातियों के संख्या या जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी देना चाहते हैं तो वहां पर जो मुसलमानों का प्रतिशत है वो 17% है, तो ऐसी स्थिति में क्या 17% मुसलमानों को भी आपने आरक्षण दिया है? नहीं दिया है। तो उद्देश्य क्या है जातीय जनगणना के पीछे, यह समझने की जरूरत है। किस तरीके की सियासत है? तो वास्तविकता यह है कि जो जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य है वो है कि किस तरीके से जाति पर आधारित राजनीति की जाए, किस तरीके से जहां पर कोई एक पर्टिकुलर जाति के लोग ज्यादा रहते हैं तो उस जाति का उम्मीदवार वहां खड़ा किया जाए और उस जाति के माध्यम से चुनाव जीता जाए, और जातियों के आधार पर किस तरीके से समाज का बंटवारा कर दिया जाए। स्वाभाविक तौर पे जब हम देखिए अंग्रेजों ने क्या किया हमारे देश में, इसी तरीके के सबसे पहले यदि कहा जाए तो यदि ये सांप्रदायिक जहर बोलने का काम किया था वो अंग्रेजों ने किया था, समाज में जातियों के मामले का जो जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण किया 1935 एक्ट में देखिए, उसके बाद देखिए तो जिस तरीके से उन्होंने जो जहर बोया था उस जहर को हमारे जो सियासत करने वाले लोग हैं या राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने उसे समझने की जगह और ज्यादा हवा देने की कोशिश की। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वर्ग की बात करते हैं, जिन जातियों की बात करते हैं, महिला, युवा, मजदूर और किसान, अब देखिए युवा किसी भी जाति का हो, महिला किसी भी जाति की हो, मजदूर की कोई भी जाति हो और इसी तरीके से किसान की कोई भी जाति हो, यदि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो यहां जाति विहीन समाज की स्थापना होगी, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। यही उद्देश्य है कि किस तरीके से हम लोगों को, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को एकजुट रख सकें। लेकिन जो सियासत करने वाले लोग हैं वो
अपने लाभ के लिए ज्यादा ज्यादा इस परियोजना को, जो जातीय परियोजना, ये बेसिकली एक परियोजना है, उस परियोजना को वो किसी तरह भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक समय तक जो है सत्ता का सुख भोग सकें और लोगों को डिवाइड करके जो है वो शासन में रह सकें। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि किस तरीके से हमारा समाज, किस तरीके से एक जाति दूसरे जाति को नफरत से देखेगी, किस तरीके से उनके बीच में मतभेद पैदा होंगे, इसकी चिंता नहीं कर रही है। और ये जो जातीय जनगणना का जो चिन्ह है उसको बोतल के अंदर ले जाने का कोई भी साहस नहीं जुटा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है जनता इस बात को समझ रही है। यही कारण है कि जो अभी चुनाव के नतीजे आए हैं वो बहुत जो है लोगों को सबक देने वाले आए हैं कि इस तरीके की घटिया राजनीति करने वालों को सत्ता में जनता नहीं देखना चाहती है। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो जिस मुद्दे पे मैंने आज बात की है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।